हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में मैंने लिए हैं कुछ स्पॉटिंग करके लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस ना केवल सभी बैंकिंग एग्जाम्स बल्कि सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए भी हाईली इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पूरे वीडियो क्लास को आप ध्यान से देखिए। और इस वीडियो क्लास के थ्रू मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, इस सीरीज का नाम है सक्सेस सीरीज। सक्सेस सीरीज का ये पार्ट वन है, इसमें मैंने स्पॉटिंग करके कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। और ये सक्सेस सीरीज मैंने जो क्रिएट की है, इसको मैंने IBPS PO और IBPS क्लर्क के लिए एक्चुअली मैं लॉन्च कर रहा हूँ इसको। इसमें मैं कुछ हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यूजफुल क्वेश्चंस के वीडियो क्लासेस में अपलोड करूँगा, तो इस सीरीज़ को आप ज़रूर देखें। और एक इंटीमेशन मैं आपको और देना चाहूँगा, एक वेबसाइट मैंने क्रिएट की है अपने सभी स्टूडेंट्स के लिए और अपने सभी सब्सक्राइबर्स के लिए। इस वेबसाइट का नाम है englishiq.in। यहाँ पर आपको फ्री कंटेंट मिलेगा, फ्री PDFs, फ्री ईबुक्स एंड फ्री वीडियो कोर्स। एक वीडियो कोर्स मैंने यहाँ पर लॉन्च किया है IBPS PO के लिए, इसको आप ज़रूर देखें और डेफिनेटली इससे बहुत हेल्प मिलेगी। हालांकि ये पेड कोर्स की तरह तो नहीं होगा, क्योंकि पेड कोर्स में तो सारा कंटेंट सिस्टमेटिक रहता है और कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट रहता है, लेकिन यहाँ पर रैंडम वीडियोज़ मिलेंगे आपको, लेकिन उनसे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो इस फ्री वीडियो कोर्स को आप ज़रूर देखें, क्रैश कोर्स है ये IBPS PO के लिए। englishiq.in, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पर आप इस फ्री कोर्स को आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कुछ हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस लिए हैं। इन कॉन्सेप्ट्स को आपको अच्छे तरीके से समझना है, और इस तरह के क्वेश्चंस अभी SBI PO में और क्लर्क में पूछे गए थे। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। जस्ट बिहाइंड द रॉयल स्टैंडर्ड बियरर्स केम द प्रिंसेस ओसमा इन हर रॉयल चैरियट। मतलब यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर एक जैसे एक रथ चल रहा है, जैसे एक राजा की सवारी होती है, वो जा रही है यहाँ पर, तो उसका इसमें डिस्क्रिप्शन है। जस्ट बिहाइंड द रॉयल स्टैंडर्ड बियरर्स, मतलब जिन लोगों के पास रॉयल स्टैंडर्ड किसी गाड़ी का नाम हो सकता है, रॉयल स्टैंडर्ड बियर्स के पीछे केम द प्रिंसेस ओजमा, उसके पीछे प्रिंसेस ओजमा की गाड़ी आ रही थी। इन इन हर रॉयल चैरियट, चैरियट होता है रथ, जैसे कृष्ण भगवान का जो रथ था उसको हम बोलते हैं चैरियट। दैट वॉज ऑफ गोल्ड इनक्रस्टेड विथ एमरल्स, उसमें हीरे जवाहरात लगे हुए थे। तो इस तरह का यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन है, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान से देखिए इसमें कहाँ पर गलती है। इस पूरे सेंटेंस को यदि आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है, और कॉमा के बाद जो रिलेटिव प्रोनाउन हम लगाते हैं वो होता है विच। हम दैट नहीं लगाते, दैट को हम लगाते हैं जब हमें तीन चीज, चार चीज या पाँच चीज में से किसी एक चीज़ को डिफाइन करना करना होता है। तो डिफाइनिंग क्लॉज में हम दैट को लगाते हैं, ये नॉन डिफाइनिंग क्लॉज है। नॉन डिफाइनिंग का मतलब है कि जब नाउन एक ही है तो उसको हम डिफाइन नहीं करेंगे, उसे हमें डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। यदि तीन चैरियट होते यहाँ पर तो आपको डिफाइन करना पड़ता कि कौन से चैरियट की आप बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन चूंकि एक ही चैरियट है तो उसको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, यानी नॉन डिफाइनिंग क्लॉज की यहाँ पर आपको ज़रूरत है, एक नॉन एसेंशियल क्लॉज की ज़रूरत है, और उसके लिए आप यहाँ पर लगाएंगे विच। और वैसे भी यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है तो दैट के साथ कॉमा नहीं आता, तो यहाँ पर विच आएगा और सी पार्ट में इसमें गलती है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ना केवल बैंकिंग एग्जाम्स में बल्कि SSC एग्जाम्स में। तो इनको आप अच्छे तरीके से समझिए। आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आया कि दैट और विच का क्या यूज़ है। विच को हम लगाते हैं कॉमा के बाद, जब हम विच को लगाते हैं तो वो नॉन एसेंशियल क्लॉज होता है, उसकी ज़रूरत नहीं होती, उसमें हम केवल डिस्क्राइब करते हैं पहले वाली नाउन को। दैट को हम तब लगाते हैं जब एक से ज़्यादा नाउन होती हैं तो उनको डिफाइन करना होता है, और डिफाइन करने के लिए हम उस दैट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक ही चैरियट है। इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम दे सकते हैं, उसको हम विच के थ्रू दे सकते हैं, ठीक है। तो सी पार्ट में इसमें आपका एरर है। इसमें मैंने 10 क्वेश्चन लिए हैं, और पूरे क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिए, इस वीडियो क्लास को एंड एंड तक देखिए। और इसमें मैंने मेरा जो पेड ई कोर्स है 1 साल का, उसमें भी मैंने कुछ ऑफर्स लॉन्च किए हैं, तो उस ऑफर के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो क्लास के एंड में, ठीक है। यहाँ पर देखिए, द सुप्रीम कोर्ट आस्क द हिंदू पार्टीज ऑन फ्राइडे टू प्रेजेंट प्रूफ ऑफ देयर क्लेम दैट बाबरी मस्जिद वॉज बिल्ट। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पार्टीज से पूछा है, द सुप्रीम कोर्ट आस्क द हिंदू पार्टीज ऑन फ्राइडे टू प्रेजेंट प्रूफ, इस बात का एक प्रूफ पेश करें, टू प्रेजेंट प्रूफ ऑफ देयर क्लेम दैट द बाबरी मस्जिद वॉज बिल्ट ऑन द रिमेन ऑफ एन एंशियंट टेम्पल और हिंदू रिलीजियस स्ट्रक्चर।
मतलब हिंदुओं का ये दावा है कि बाबरी मस्जिद जो बनाई गई थी वो हिंदू रिलीजियस स्ट्रक्चर के ऊपर बनाया गया था उसको, और सुप्रीम कोर्ट अब ये बोल रहा है कि इस बात को वो सबूत, इस बात को प्रूव करे कि बाबरी मस्जिद जो बनाई गई थी वो हिंदू रिलीजियस स्ट्रक्चर के ऊपर बनाई गई थी एंशियंट टाइम में। तो इसमें गलती कहाँ है? वॉज बिल्ट ऑन द रिमेन। देखिए रिमेन क्या होता है, रिमेन का मतलब एक ही जगह पर रहना, लेकिन रिमेन्स का मतलब होता है बाकी बचा हुआ। रिमेन्स ऑफ एन एंशियंट टेम्पल और हिंदू रिलीजियस स्ट्रक्चर, मतलब हिंदू रिलीजियस स्ट्रक्चर का जो खंडहर, जो बाकी जो जो पुराना सा जो पुराना जो स्ट्रक्चर रहता है उसके ऊपर बाबरी मस्जिद को बनाया गया था। उसके जो रिमेन्स थे, उसका जो बाकी बचा हुआ हिस्सा था, उसका जो खंडहर पार्ट था, उसके ऊपर बाबरी मस्जिद को बनाया गया था। और सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है कि इस चीज़ को हिंदू पार्टीज प्रूव करें, इसका इसका एक प्रूफ दें, एविडेंस दें। तो इसको हम रिमेन नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं रिमेन्स, यानी सी पार्ट में इसमें एरर है। आई होप आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओवर द पास्ट 2 मिलेनिया, मिलेनियम होता है 1000 साल का जो टाइम होता है उसको हम बोलते हैं मिलेनियम, और मिलेनियम सिंगुलर है, मिलेनिया इसका प्लूरल होता है। ओवर द पास्ट 2 मिलेनिया वी हैव सीन सिविलाइजेशन टू सेटल एंड रीसेटल ऑन रिवर रिवर बैंक्स। मतलब पिछले 2000 सालों में हमने काफ़ी सारी सिविलाइजेशंस को सेटल और रीसेटल होते हुए देखा है। अब इस सेंटेंस को आप यदि ध्यान से देखें तो इसमें कोई एरर नहीं लग रही है, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है ओवर द पास्ट 2 मिलेनिया वी हैव सीन सिविलाइजेशन, देखिए यदि मैं बोलूँ आपसे कि आई सॉ हिम डांस, मैंने उसको डांस करते हुए देखा, तो इस स्ट्रक्चर में हम ऑब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब लगाते हैं। आई सॉ हिम सिंग, मैंने उसको गाते हुए देखा। आई सॉ हिम कुक, मैंने उसको खाना बनाते हुए देखा। तो इसमें भी हम सेम स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं, और इस स्ट्रक्चर में टू का प्रयोग हम नहीं करते, टू यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है? तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर वी हैव सीन सिविलाइजेशन सेटल एंड रीसेटल, यानी यहाँ पर ये टू जो है इसका प्रयोग नहीं होगा, और सी इसमें आपका सही आंसर होगा। ओवर द पास्ट 2 मिलेनिया वी हैव सीन सिविलाइजेशंस सेटल एंड रीसेटल, यानी सी इसमें आपका सही आंसर होगा। ये भी एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन लास्ट ईयर्स असेंबली इलेक्शन द कांग्रेस हैड ब्रीच। ब्रीच का मतलब होता है किसी नियम कानून को तोड़ देना, ठीक है? इम्प्रिगनेबल बीजेपी वेस्टियन टू विन 60 ऑफ द 90 सीट्स। इन लास्ट ईयर्स असेंबली इलेक्शन, यहाँ तक ये सही है। द कांग्रेस हैड ब्रीच, मतलब पिछले साल के जो असेंबली इलेक्शन हुए थे उसमें कांग्रेस ने ब्रीच कर दिया था, ठीक है? मतलब एक एक तरह से एक धारणा थी कि बीजेपी का ये गढ़ है और यहाँ पर कांग्रेस एंट्री नहीं ले सकती। तो कांग्रेस हैड ब्रीच द सीमिंग इम्प्रिगनेबल। इम्प्रिगनेबल का मतलब है जिसको हराया नहीं जा सकता, चूंकि ये बीजेपी का गढ़ था इसलिए वहाँ पर कांग्रेस ने 90 में से 60 सीट जीत ली, ठीक है? तो ऐसा माना जा रहा था कि ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। इम्पिगनेबल का मतलब होता है इनविंसिबल, जिसको जीता नहीं जा सकता। तो इम्पिगनेबल क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को यदि हम क्वालिफाई करेंगे तो किससे करेंगे? एडवर्ब से करेंगे। तो सीमिंग का यहाँ पर हो जाएगा सीमिंगली। ऐसा लगता था कि वो अजेय है, बीजेपी वहां पर अजेय है। सीमिंगली इम्प्रेगनेबल बीजेपी वेस्टियन, तो सी इसमें आपका सही आंसर होगा, ठीक है? तो ये भी एक काफी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। विद एन आई ऑन द कमिंग लोकल बॉडी पोल्स, छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल हैज अनाउंस दैट द गवर्नमेंट वुड ऑलमोस्ट डबल द रिजर्वेशन फॉर द ओबीसीज, मेकिंग अप क्लोज टू हाफ द स्टेट्स पॉपुलेशन गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। देखिए इस सेंटेंस को यदि आप ध्यान से देखें, विद एन आई ऑन, ये एक फ्रेज है, एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। इसका मतलब होता है कि इस चीज पर नजर रखते हुए, विद एन आई ऑन द कमिंग लोकल बॉडी पोल्स, मतलब इस चीज पर नजर रखते हुए आगे आगे आने वाले जो लोकल बॉडी पोल्स हैं, जो चुनाव हैं, उनको ध्यान में रखते हुए चीफ मिनिस्टर ने क्या किया है? चीफ मिनिस्टर हैज अनाउंस, एक्चुअली इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, ये दोनों काम इसमें एक साथ हो रहे हैं। विद एन आई ऑन द कमिंग लोकल बॉडी पोल्स, मतलब इसको ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर ने ऐसा किया है। हैज अनाउंस दैट द गवर्नमेंट वुड,
ये यहाँ पर एक्चुअली हम एक इमेजिनेशन की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो वुड यहाँ पर सही है, वुड ऑलमोस्ट डबल, डबल भी सही है, डबल यहाँ पर एक वर्ब की तरह यूज हुआ है। वुड डबल द रिजर्वेशन फॉर द ओबीसीज, ओबीसीज के लिए रिजर्वेशन डबल करेगी, और ओबीसी के लिए जब रिजर्वेशन डबल होगा तो इससे क्या होगा, मेकिंग अप क्लोज टू हाफ द स्टेट पॉपुलेशन इन गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, इससे क्या होगा कि आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन गवर्नमेंट जॉब में आ जाएगी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। तो ये सेंटेंस काफ़ी अच्छा, ये सेंटेंस है, और इस सेंटेंस को यदि आप ध्यान से पढ़ें तो इसमें कोई एरर नहीं है, और इसका आंसर होगा नो एरर। तो यहाँ पर इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ हुआ है, जैसे यहाँ पर अनाउंस किया है उन्होंने, और अनाउंस करने के साथ ही उन्होंने ऐसा किया है, यानी मेकिंग अप और ये दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। एक तरफ उन्होंने अनाउंस किया है, और अनाउंस करते ही, अनाउंस उन्होंने किया है तो अनाउंस करने से क्या होगा कि आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो गवर्नमेंट जॉब में आ जाएगी। तो ऑलमोस्ट ये दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर मेकिंग अप जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन एम्बेसडर टू द यूएन सैयद अकबरुद्दीन अक्यूज्ड पाकिस्तान एंड चाइना ऑफ, इंडियन एम्बेसडर हैं ये यूएन में, यूनाइटेड नेशन में, इन्होंने एक्यूज किया है, इन्होंने आरोप लगाया है किसके ऊपर, पाकिस्तान एंड चाइना के ऊपर। किस चीज़ का आरोप लगाया है, एक्यूज्ड के साथ हम ऑफ लगाते हैं, ये सही है। ऑफ एक प्रपोजिशन है तो इसलिए इसके बाद आईएनजी फॉर्म आएगी, ये सही है। टू इम्पार्ट ग्रेटर सिग्निफिकेंस टू मीटिंग देन वॉज वॉरंटेड। देखिए ग्रेटर क्या है, कंपेरेटिव डिग्री है, ग्रेटर के बाद हम क्या लगाते हैं, हम देन लगाते हैं, लेकिन ये देन कौन सा है, टी एच ए एन देन लगाते हैं हम ग्रेटर के बाद, यहाँ पर टी एच ई एन है, यानी डी पार्ट में इसमें एरर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक्सेप्ट फॉर, एक्सेप्ट फॉर का मतलब होता है इसको छोड़ के, एक्सेप्ट फॉर यू एंड ही एवरीवन हैज ब्रॉट अ गिफ्ट फॉर मी, मतलब हर कोई मेरे लिए गिफ्ट लेके आया है, यू एंड ही को छोड़ के। तो इसमें एक प्रिंसिपल चलता है, जब कई सारे प्रोनाउन आते हैं तो इसमें हम टू थ्री वन के सीक्वेंस में प्रोनाउन्स को लगाते हैं, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। तो सेकेंड पर्सन इसमें लगा हुआ है, सेकेंड के बाद आएगा थर्ड पर्सन, ये लगा हुआ है, फर्स्ट पर्सन आई और वी होता है तो वो तो इसमें है नहीं। तो यू एंड ही तो सही है, लेकिन एक्सेप्ट क्या है, एक्सेप्ट एक प्रपोजिशन है और ये है प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट, यानी इनको आपको ऑब्जेक्टिव केस में रखना होगा। तो यू का तो ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, लेकिन ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, तो इसलिए बी पार्ट में इसमें गलती है, बी यहां पर आपका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। मिस्टर अकबरुद्दीन, ये फिर से उन्हीं का एक सेंटेंस आ गया, टोल्ड रिपोर्टर दैट द एब्रोगेशन, एब्रोगेशन का मतलब होता है किसी चीज को हटाना, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 वॉज डन टू एनहेंस गुड गवर्नेंस एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन जम्मू कश्मीर एंड कश्मीर, इन जम्मू एंड कश्मीर एंड द यूएनएससी कंसल्टेशन हैड टेकन नोट ऑफ दिस। देखिए ये एक अच्छा सेंटेंस है, मिस्टर अकबरुद्दीन टोल्ड रिपोर्टर, मिस्टर अकबरुद्दीन ने रिपोर्टर्स को बताया, एक बात तो ये बताई, दैट से ये शुरू हो रहा है। ठीक है, और दूसरी बात देखिए, एंड से जब हम जोड़ते हैं तो इक्वल एंटिटीज को जोड़ते हैं, ये पार्ट एंड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर एंड के बाद क्या आया है, यहाँ पर हमने, यहाँ पर जो पार्ट जुड़ा हुआ है एंड से वो दैट, दैट से जुड़ा हुआ है, दैट क्लॉज है, तो यहाँ पर भी दैट आना चाहिए, ये दो दैट वाले पार्ट्स को, दैट क्लॉजेस को हम एंड से जोड़ सकते हैं, एंड से हम इक्वल एंटिटी को जोड़ते हैं, तो यहाँ पर जब दैट क्लॉज है तो यहाँ पर भी एक दैट क्लॉज होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डी इसमें आपका सही आंसर आपका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट वुड बी सिंपलिस्टिक, सिंपलिस्टिक मतलब उसको, जिसको जो चीज़ डिफिकल्ट लग रही है, जो चीज़ डिफिकल्ट है लेकिन हम उसको इजी मानना है, सिंपल मानना है। इट वुड बी सिंपलिस्टिक टू अज्यूम दैट राइज इन अनएथिकल प्रैक्टिसेस इन दिस प्रोफेशन इज सोनली द रिजल्ट ऑफ प्राइवेट मेडिकल एजुकेशन। जो प्राइवेट कॉलेजेस खुल रहे हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो बूस्ट हो रही है, उसकी वजह से अनएथिकल प्रैक्टिसेस हो रही हैं। इट वुड बी सिंपलिस्टिक टू अज्यूम, ये मानना सिंपलिस्टिक होगा कि
कि राइज इन अनएथिकल प्रैक्टिसेस, जो बेईमानी हो रही है, जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस हो रही हैं, किस प्रोफेशन में? मेडिकल प्रोफेशन में, इज सोलली द रिजल्ट ऑफ, ये रिजल्ट किसका है? प्राइवेट मेडिकल एजुकेशन का ये रिजल्ट है। तो राइज राइज इन अनएथिकल प्रैक्टिसेस, राइज यहां पर एक नाउन की तरह यूज हो रहा है, बढ़ोतरी, इसको हम बोलते हैं बढ़ोतरी या इंक्रीज, राइज। चूंकि ये नाउन की तरह यूज हो रहा है, इसलिए राइज से पहले यहां पर हम लगाएंगे ए, बढ़ोतरी है ये, काउंटेबल है, यहां पर हम लगाएंगे ए, तो बी इसमें आपका सही आंसर होगा। आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आया, और कोई भी प्रॉब्लम हो इन सेंटेंसेस को समझने में तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिखें। यहां से हम फिर से देखते हैं, देयर हैज बीन मच डेवलपमेंट रिसेंटली विद रिस्पेक्ट टू द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। पॉक्सो एक्ट, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, ये बच्चों के बारे में है, बच्चों के ऊपर जो सेक्सुअल अब्यूजेस होते हैं उसको रोकने के लिए इसको बनाया गया है, विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टॉपिंग द रैम्पेंट सेक्सुअल अब्यूज ऑफ चाइल्ड। देखिए, इस एक्ट को बनाया गया है बच्चों के ऊपर सेक्सुअल अब्यूज को रोकने के लिए, तो यहां पर हम चाइल्ड ना बोलते हुए यहां पर हम बोलेंगे चिल्ड्रन, एक बच्चे के लिए नहीं है ये कानून, ये सभी बच्चों के लिए है, तो इसलिए डी इसमें आपका सही आंसर होगा। आई होप ये सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, और ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे गए थे अभी SBI PO और SBI क्लर्क में, और IBPS में भी डेफिनेटली ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और ये मैंने जो सक्सेस सीरीज स्टार्ट की है, इसमें मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपका प्री का भी तैयार हो और मेंस का भी तैयार हो, और यदि आप प्रोफेशनल गाइडेंस लेना चाहते हैं, इंग्लिश सेक्शन में आप बहुत ही अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, प्री में, मेंस में, GDPI में, डिस्क्रिप्टिव में, तो आप हमारा ये ई कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अभी मैं इसमें एक ऑफर चला रहा हूँ, इसमें 1 साल वाला मेरा जो ई कोर्स है, जिसकी प्राइस 2950 है, उसको आप 1950 रुपये में ज्वाइन कर सकते हैं, और इसके साथ एक IBPS क्लर्क का पूरा 1 साल का कोर्स मैं आपको बिल्कुल फ्री दूंगा, और 6 महीने की इसमें एक्स्ट्रा वैलिडिटी है, यानी ये 1 साल तक आपका ये कोर्स चलेगा, 1 साल का ही कोर्स है, लेकिन इसमें 1,000 रुपये का डिस्काउंट है, 2950 वाला, 1950 में आप ज्वाइन कर सकते हैं, और ये 3 चीज़ें इसमें फ्री होंगी, एक IBPS क्लर्क का एक पूरा 1 साल का कोर्स पूरा फ्री इसमें आपको मिलेगा, 6 मंथ इसमें वैलिडिटी एक्स्ट्रा मिलेगी, टोटल मतलब 12 मंथ की वैलिडिटी मिलेगी, और 7 इसमें वोकेबलरी ई बुक्स की मैं लाइफ टाइम के लिए दूंगा, तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहां से आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी डाउट या क्वेरी है तो इन नंबर्स पर आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।